दिस इज द वन ऑफ द एक्सपीरियंस कि आप कहीं और नहीं कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, और देखिए क्या हालत हो रही है। स्लीपिंग बैग में सोए थे और यहाँ पर रात में तकरीबन टेम्परेचर 2 डिग्री से भी कम हो गया था। आज एक नए दिन की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले फ्रेश होने के बाद आपको दिखाएंगे यहाँ का जो व्यू, जो रात में आपने नहीं देख पाया था। ये अकेली है जो कि हम लोग के साथ यहाँ पर रात भर थी। पूरा चारों तरफ जंगल था और रात में ये हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सफारी लॉज जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए, और आज देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक चीज और है कि यहाँ की भोजपुरी बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे ठंडा ना लग रहा रात के। अब आदत बन गई करे, ठंडा तो लगवे करी, ठंडा ठंडे है। सही बात है, लेकिन आदत हो गई बटे। अभी हम लोग सफारी लॉज के ही दायरे में हैं। ये जैसे आपको थाई इमली हुआ। अच्छा, थाई इमली सीडलेस लेमन। अच्छा, सीडलेस है, इसमें बीज नहीं होगा। बीज नहीं होगा। यहाँ पर आप जो कुछ भी खाने को मिलता है ना, वो फ्रेश इन्हीं के फार्म से तोड़ा हुआ होता है। ये क्या माउथ फ्रेशनर है? खा के देखिए। च्यू दिस, स्वालो इट एंड हैव फन। I don't know what is this. चबा जाने का। So how's the feel? ताजगी यार, ये थोड़ी थोड़ी सेंटर फ्रेश वाली, हल्की हल्की मिंट वाली। अभी क्या है कि नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और एक अननोन हिडन प्लेस पर पहुँचना है जो कि इसी वाल्मीकि नगर में ही पड़ता है। देखिए, एक्सप्लोर प्लेसेस पे सभी जाते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है जो अनएक्सप्लोर्ड हो वहाँ पर जाने में। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। दिस इज द चेक पॉइंट। यहाँ से आगे ये अभी जो है ना, एकदम डेंस फॉरेस्ट में हम लोग इंटर कर रहे हैं। सीधा यहाँ से जंगल है ना? हाँ, अभी पूरा जंगल शुरू हो गया। अरे फिर से भाई, ये नदी है ना? ये छोटा सा जंगल था, बरसात के दिन में नदी है। ये सामने देख सकते हैं पेड़, ये बहुत ओल्ड हो गया था तो अभी गिरा यहाँ पर रास्ते में। अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले, लेकिन आगे एक बैरियर है, घाम ऊपर हो रहा, उसको खुलवाने के लिए बातचीत चल रही है। तो फाइनली एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए और उस अननोन प्लेस तक पहुँच रहे हैं। एक्साइटमेंट बढ़ रही है क्या? मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस तरह के रिवर क्रॉसिंग यहाँ पर बहुत है और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई और गाड़ी ऑफ रोड कर पाएगी। आगे बढ़ा जा रहा भाई रेगुलर, और वाल्मीकि नगर आने का जो सपना था ना, वो ऐसे पूरा होगा मुझे नहीं पता था। इसी जगह बाघ मार दिया। यहाँ पर जस्ट अभी एक केस सुनने को मिला है कि यहाँ पर एक टाइगर ने अटैक किया। हाँ। और उसके बाद वो मर गया, लड़का मर गया? नहीं, बच गया। अच्छा, बच गया, दवा हुआ। अच्छा, बच गया। सांभर की पता नहीं आप लोग स्पॉट कर पा रहे कि नहीं, लेकिन वहाँ पे सीधे एक हिरन है। सांभर कहते हैं उसको? सांभर, सांभर। अच्छा, अभी हम लोग और जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई, खाने जंगल में। देर से खड़े खड़े भाई हालत खराब होगी, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा बैठ लिया जाए और बैठ करके इस वाले फील को, इस वाले इन्वायरमेंट को, इस वाले वाइब को एंजॉय करें। And now we are on the location. Imagine, bro. इस वाले प्लेस को फील कर सकते हैं आप। यहाँ पर वाटर इतना क्लीन है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना क्लीन वाटर है यार इस अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन पर। और हम लोग बिहार में हैं, ये सोच करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। रुक जा भाई, हमारे लिए रुक जा।
इस वाले एक्सपीरियंस को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ अभी। आखिरकार इस पर आ गया मैं, मतलब हम लोग छोड़ दिया था और इधर आगे नहीं गया। आखिरकार आ गया था। और वो प्लेस देखो भाई, यहाँ से दिख रहा है वो दोनों तरफ पहाड़ है ना, पहाड़ के बीच में नदी है। तो अभी हम लोग जिस प्लेस पर पहुंचे, ये कौन सा प्लेस है वैसे? ये कापन रिवर है। ओके, मतलब एक्चुअली बूढ़ी गंडक का ओरिजिन यहीं से है। अच्छा, एंड दिस इज द रिवर, यहीं से अपना वो फिर धीरे धीरे और रिवर्स जॉइन मिलते मिलते आपको मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक बन गया। भाई बहुत देर से प्यास लगी थी यार, और दिस इज़ द वन ऑफ द एक्सपीरियंस कि आप कहीं और नहीं कर सकते हो। प्लेस को एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। इतना ज़्यादा ब्यूटी, यहाँ से बस पास में नेपाल है, ज़्यादा दूर नहीं है, और उस साइड जा कर के चितवन फॉरेस्ट हो जाता है और इस साइड ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। हम लोग जिस एरिया में है यहाँ से 65 किलोमीटर वो प्लेस है जो वाल्मीकि नगर कहलाता है, और ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का मेन पॉइंट है। यही प्लेस है जब कभी यहाँ पर टाइगर पानी पीने भी आते होंगे। यहाँ की एक और ख़ास बात है कि यहाँ के पानी से सोना निकलता है। कहा यह जा रहा है कि जो यहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं उसको जब पानी को छानते हैं ना, तो आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड, बट जब पानी को छानते हैं तो उसमें से सोना के पार्टिकल्स, गोल्ड पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं, और इस प्लेस को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, नेवर नेवर एवर। इस वाले प्लेस को देखने के बाद अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। एक्चुअल में ऊपर एक थोड़ा सा क्लाइंब करके जाना है हमें, और वहाँ पर एक वॉच टावर है। ये थक रहा है यार। एक चीज़ और है यार कि यहाँ पर स्नैक्स बहुत है, कभी कभी आपको दिख जाते हैं, इसलिए प्रेफर करो कि आप बूट पहन के यहाँ पर जल्दी आओ, तो उससे क्या होगा कि आपको जंगल में ही बच जाओगे आप। ये वुड है यार, कोई पेड़ गिरा हुआ है और इसके ऊपर से जा रहे हैं हम लोग। एंड लुक एट दिस ट्री, कितना ज्यादा पुराना लग रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ अपने कदम रख रहा हूँ। अब यहाँ सभी लोग ऊपर जा रहे हैं और मैं भी ऊपर चढ़ने जा रहा हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि ये इतना टफ नहीं हो, देखिए जरा वहाँ पर वो गाय फंस गया है और उसको निकालने के लिए लगे हुए लोग। अभी वहाँ जाना है और हम लोग अभी वहाँ से आ रहे हैं, एकदम सीधा खड़ी चढ़ाई यहाँ से। अब तो चढ़ जाएंगे यहाँ से। पुराने पुराने रूट्स, पता नहीं कौन सा रूट मेरा वेट उठा पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है, और वहाँ पे वो वॉच टावर है जहाँ पर अभी जाना है। अभी मैं जिस प्लेस पर हूँ, ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, यहाँ पर सभी तरह के वाइल्ड एनिमल भी हैं और सांप बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ से नीचे रिवर बेड था, वहाँ से कैसे कैसे चढ़ते हुए अभी तक ऊपर पहुँचे हैं। यहाँ पर इस प्लेस पर पहुँच कर एहसास होता है ना कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अभी नहीं पहुँचे, और वाकई में आपको वहाँ पर जाना चाहिए सीरियसली। सर अभी हम लोग कहाँ पर है एग्जैक्टली? यहाँ का दोन क्षेत्र है। अच्छा, दोन 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 इज वैली, वी
एरिया हियर एंड अ वॉच टावर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वॉच टावर है। दो एक्सपीरियंस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर सफारी लॉज में आकर के आपके थ्रू। और सीरियसली मुझे पता नहीं था, जब मैं पटना से निकला था तो बिल्कुल भी पता नहीं था कुछ इस तरह का चीज होने वाला, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे तो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिल्कुल ही अनटच्ड फॉरेस्ट। जब मैं वहां से चढ़ रहा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं अब गिरने वाला हूँ, लेकिन मेरा जो गोप्रो का स्टिक है वो सर ने पकड़ी और बोला कि चलो मैं आपको खींचता हूँ। तो फिर हम लोग, मैं ऊपर आ पाया और जब मैं वॉक करके आ रहा था वहां से तो ऐसा लग ही नहीं रहा कोई पगडंडी भी है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अनटच्ड है। तो क्या जो लोग आते हैं यहाँ पर सफारी लॉज में, अपने फॉलोअर्स जो पहुंचते हैं, तो क्या उन लोगों को भी एक्सपीरियंस मिलेगा, ये चीजें देख सकेंगे? उसी के लिए तो है, दैट इज व्हाट आई हैव ओपनड दिस होल सफारी लॉज फॉर। और वही रोलर कोस्टर वाली इशू जो रहेगी। हाँ, सेम तो ये चीज है भाई, इस एक्सपीरियंस को फील हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज का लोकेशन इधर ही एंड होता है, अभी आपको भाई साहब मिलता है नेक्स्ट लोकेशन पर। धन्यवाद।